ठीक है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ कमीज़ की कटाई। तो ये हमने कपड़ा लिया है और ये बाजू है, ये हमने अलग कर लेने हैं। हमने उतार लिए हैं। तो ये ले लिया है हमने कपड़ा। अगर इसका ये वाला पैच होता ऊपर वाली तरफ, इस ऊपर वाली तरफ, तो फिर हमने इसको दरम्यान में से काट लेना था। तो अब इसका पैच है नीचे, ये दोनों का पैच नीचे है, तो इसलिए हमने इसको यूं करके ये गले को, ये हमारा गला, इस गले को हमने दरमियान में रखना है। हमने इस्त्री से उसको यूं करके सेट कर लेना है। सेट करने के बाद अगर आपके पास वो चाक नहीं है तो आपने यूं करके इसको कमीज़ को रख लेना है। ये आपने मत कमीज, तो यहाँ हमने लगानी है पाइपिंग नीचे से, तो ये हमने रख दी है। हमने पाइपिंग लगानी है तो हमने कपड़ा थोड़ा छोड़ना है, यानी आधे से भी कम इंच। अगर हमने फोल्ड करना हो, तरपाई वगैरह करनी हो, तो ये हमने रख दिया है। इस जगह पे हम ना निशान लगा लेंगे, ये है हमारा कंधा, ये लगा लिया हमने। इधर से हमने कट कर लिया है। छोड़ दिया, हमने इसको यूं करके, यानी यूं करके यूं ले जाना है। ये हो गया। तो ये अगर आपके पास चाक नहीं है तो आपने इसको यूं फोल्ड करके यूं कर लेना है। अगर आपने बैंड लगाना है तो यहाँ से आपने नहीं काटना, गोलाई नहीं करनी, सिर्फ अगली साइड की करनी है, तो आपने यूं कर लेना है, क्योंकि हमने करनी है गोलाई इसकी। तो ये कपड़ा बच गया हमारा, बाजू हमारा कम है, इसके आगे हम पैच लगा देंगे। ये हमारा है गले वाली साइड, तो इसको हम थोड़ा सा यूं करके ऐसे करके हमने यूं काट लेना है।
बैक साइड ऐसे ही रहनी चाहिए और फिर हमने लगा देना है इधर कट छोटा सा, क्योंकि हमने वो नहीं लगाया ना पैपिंग। हमेशा जब आप काटते हो ना इतना बद रखें, क्योंकि ना इतना वो जो अंदर फोल्ड होता है ना कपड़ा बोच वगैरह, इसके लिए ये हमने कट लगा दिए जहाँ तक हमने हमारी चाक बनेगी। ये सादा सा सिंपल सा बहुत आसान तरीका है कटाई करने का। अगर आपके पास इंची टेप नहीं है या तो कोई मसला नहीं। तो ये हमने बाजू ले लिया है, ये बाजू देखें, ये बाजू इतना कम बन रहा है, ये इतना कम है, इससे तकरीबन तकरीबन 3 उंगली। तो इसको हमने ऐसे रख लेना है और हमने पैच काट लेना है। ये हमारे पैच का कपड़ा, ये इतना छोड़ के काटना है, यानी कि ये ना कपड़ा पतली साइड पे रखना है। रख दिया है तो ये हमारा पैच आ जाएगा। डबल पैच करना हो तो डबल पैच कर लें। अगर पीछे से कपड़ा डालना हो यहाँ पे कंधे पे तो आप कंधे पे डाल दें, या कंधे पे भी डाल सकते हैं। ये जो है ये आगे आने वाली साइड है, तो इसको थोड़ा सा ऐसे कटेंगे क्योंकि कमीज़ आगे से बिल्कुल सेट रहती है। इसी के साथ चाहूँगी इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।